हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एग्जाम्स गेंगवे में आपका स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आपका सूत्रों का सिलसिला चल रहा है और आप कमेंट में जरूर जवाब देंगे कि यह सिलसिला आपका कैसे चल रहा है। मैंने आपको 2D में जो है सर्कल बताया, आपको सर्कल के बाद से जो है आपका क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल में आपको वर्ग बताया हूं। अभी इस समय जो है ये जो वीडियो बन रहा है आयत का है, आयत से संबंधित सभी फार्मूले सिर्फ एक ही वीडियो में। और ध्यान दीजिएगा आप कि एक ही वीडियो में संपूर्ण, चाहे आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आपको सारा चीज मिलने वाला है। तो आइए फटाफट कुछ देर हम लोग देखते हैं कि आयत क्या है। तो सुनिएगा, आयत एक समतल आकृति है जो चार भुजाओं से बनी हुई एक समतल आकृति, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समझ रहे ना, जो चाहे आप अपने हिसाब से परिभाषा बना लीजिए, कोई गलती होने वाली नहीं है। बस समझ एकदम सही होना चाहिए, आपका मीनिंग अच्छा होना चाहिए, मतलब जिसको बोलते हैं ना वो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये जैसे इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसको शीर्षों को ऐसे कर दूं, ये डी क्या है, डी, तो ये जो है आपका सी हो गया, सी, और ये आपका डी। तो इसमें होता क्या है कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर होगा, और जो ए डी है वो बराबर किसके होगा, बीसी के। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए कि इसकी लंबाई एल है तो ये भी आपका एल हो जाएगा, अगर ये बी है तो बी हो जाएगा, ये लेंथ और ये ब्रेथ। समझ रहे हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, यहां पर 90 डिग्री के होते हैं। समझ रहे हैं, तो ये जो है आपका आयत है। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे आपका एक आयत है, बहुत लंबा चौड़ा बन गया, तो ये जो है आपका क्या है, इसका विकर्ण है, ये आपका क्या है, विकर्ण है। और विकर्ण जो है आयत को, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, आपने वीडियो इससे पहले आपने वर्ग वाला देखा होगा या पहले भी आप पढ़े होंगे। तो सुनिएगा, तो ये जो है आपका विकर्ण है, ये लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये दोनों, ये वाला जिसको मैं ये बोल रहा हूं, ये आपस में पैरेलल है। जैसे ऐसे लिख दूं कि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, और ए डी जो है आपका, ये पैरेलल का साइन है, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल है किसके, एडी आपका पैरेलल है किसके, बीसी के। पैरेलल का मतलब समांतर, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे, पैरेलल का मतलब समांतर, जो एक दूसरे को कभी ना काटे। पैरेलल का मतलब एक प्यार है, जो एक दूसरे में ऐसा जो है आप संबंध बनाए हुए हैं, जो कितना दूर जाने के बाद भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, काटते नहीं आपस में, वही आपका पैरेलल होगा। तो ये विकर्ण है। सुनिएगा, विकर्ण जो है दो इक्वल पार्ट में बांटता है किसको, आयत को। विकर्ण जो है दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ध्यान दीजिएगा, आप नोट करके लिख लीजिएगा कि विकर्ण जो है दो इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर ये वाला, इसका एरिया दो है तो इसका भी एरिया दो होगा। अगर मैं कह दूं कि आप ये वाला भी विकर्ण बना दो, ये वाला भी विकर्ण बना देंगे, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल इक्वल पार्ट में होता है कि वर्ग के, वर्ग नहीं, आयत के विकर्ण, आयत के चार इक्वल पार्ट में, दोनों विकर्ण चार इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। थोड़ा देर में, जस्ट दो चार सेकंड में मैं आ जाऊंगा, जब सब कंप्लीट रूप से आ जाऊंगा ना, तो सारी चीजें अच्छी होने लगेगी। अभी मेरे को खुद नहीं बढ़िया से वो हो रहा है, मेरे को लग रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ये आपका क्या है, फिगर आयत है। आयत जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी, और ये सी, और ये डी, ये जो है आपका ए बी सी डी। अगर इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछ दे, क्या चीज के बारे में पूछ दे, क्षेत्रफल, तो ये एल है और ये बी है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आराम से। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, परिमाप आप जानते हैं कि यहां से चलना शुरू किया तो एल चला, बी चला, फिर एल चला, और फिर आपने कितना चला, बी चला। तो ये आपका हो जाता है आयत का परिमाप 2l + b, एल प्लस बी आयत का परिमाप। अगर विकर्ण की बात करूं, जैसे मैं ये वाला मान लीजिए विकर्ण आपका बना देता हूं, ये वाला, ये विकर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके, इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई बी है, और ये जो है आपका 90 डिग्री है। तो आप अगर यहां से सुनिएगा, डी बी सी ट्राइंगल, डी बी सी की अगर मैं बात करूंगा तो एक पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगेगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय से आपका विकर्ण बराबर होता है रूट में एल स्क्वायर और प्लस में क्या चीज, बी स्क्वायर। समझ रहे हैं, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक और आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिलता है, एक और आपको क्षेत्रफल का, ये हर जगह आपको नहीं दिखेगा, गंभीरता से पढ़े होंगे तो आपको दिखेगा, एक और आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिलता है। और जानते हैं कैसे मिलता है, मान लीजिए कि दोनों विकर्ण दिए हैं, दोनों क्या दिए हो, विकर्ण दिए हो, और मान लीजिए कहीं पर भी, मान लीजिए कि इसी की बात कर दो या इसकी, जिसको लेना है, दोनों विकर्णों के बीच का कोण मान लीजिए कि थीटा है, तब एक क्या पूछ देता है आपका, और विकर्ण भी दिया रहेगा और विकर्णों के बीच का क्षेत्रफल, सॉरी कोण भी दिया रहेगा, विकर्ण दिया रहेगा दोनों, और दोनों विकर्ण का मतलब क्या है, कुछ नहीं, सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि ये आपका D है तो D1 बराबर D2, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं, मैं बताना आपको भूल गया, तो यहां पे देखिए दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो विकर्ण की लंबाई और एंगल आपको दिया रहेगा, उनके बीच का ये कोण बन रहा है, ये तो आपका होता है, जानते हैं क्या, 1/2 अगुणे विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग इनटू में साइन थीटा होता है। ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, 110% में कह रहा हूं,
एक बटा दो विकर्ण का वर्ग आई इंटू में साइन थीटा, आप नोट कर लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू बी होगा, परिमाप क्या होगा, टू एल इंटू बी एल प्लस बी होगा, और विकर्ण क्या होगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं, यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कण होगा तो कण की लंबाई यानी विकर्ण, विकर्ण पूछ रहा है तो आपका ऐसे होगा। अगर ये मैं क्या बताया, एक बार और मैं आपको ये बता देता हूं, सुनिएगा, कि अगर आपका विकर्ण की लंबाई दी गई होगी और उन विकर्णों के बीच का कोण दिया होगा तब आपसे कभी क्षेत्रफल पूछ देते एक बटा दो विकर्ण का वर्ग इंटू में साइन थीटा बताया, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आयताकार मैदान के अंदर अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, अंदर जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ए और ये बी सी और ये डी, ये हमारा एबीसीडी ऊपर बड़ा वाला एक आयत है और इसके अंदर ऐसे रास्ता ये बना हुआ है और इस रास्ते की चौड़ाई मान लेता हूं मैं कितना है, एकदम सेम आप जैसे पढ़े होंगे ना, क्या उसको बोलते हैं जी, वर्ग आपने जस्ट अभी पढ़ा ही है, एकदम हूबहू ऐसे ही सारी चीजें रहेंगी। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कहेगा तो कुछ नहीं करना है, एक बार इस बड़े वाले का सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, और मैं कह दूं ये बता भी दिया हूं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स है। तो आपके पास आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, जब अंदर की बात करेगा तो सुनिएगा, टू एक्स क्षेत्रफल, वहां पहले लिख लिया क्षेत्रफल है, और एल प्लस बी, अब माइनस में क्या चीज, टू एक्स, एल प्लस टू एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस में टू एक्स। अगर आप निकलना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, सुनिएगा, ये बड़े वाले बड़े वाले बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले आयत को आप निकाल दीजिएगा यानी माइनस कर दीजिएगा इसके एरिया, इसका एरिया बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया आप माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, टू एक्स और इंटू में एल प्लस बी माइनस टू एक्स होता है, जस्ट एकदम सेम यही जो है इसी से रिलेटेड आपका एक बाहर की तरफ रास्ता बन जाएगा। क्या है, आयताकार मैदान के और बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये हमारा आपकी बार आयत है ए बी सी और ये डी, ये ए बी सी डी हमारा आयत है और इसके बाहर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ एक रास्ता बना हुआ है और इस चारों तरफ बना हुआ है ऐसे, देखिए फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा। और मान लीजिए कि इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, एक्स एक्स, इस रास्ते की चौड़ाई एक्स है, तब इसका एरिया पूछता है तो एरिया बराबर क्या, कुछ नहीं, वही टू एक्स एल प्लस बी रहेगा और जब बाहर की तरफ बनेगा तो प्लस में टू एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अंदर और बाहर वाले में बस कितने का ही फर्क है, माइनस का, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। एक्स क्या है, सुनिएगा, एक्स क्या है, तो एक्स जो है रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की क्या है, चौड़ाई है, एकदम 100% ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं ना आप, केवल फॉर्मूला है, आप तुरंत जो है सारे फॉर्मूले एक जगह नोट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो फॉर्मूले पर ही आधारित रहते हैं, आप छोड़िए ना वो आधारित सवालों का सिलसिला, मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला नहीं रहेगा तो आप करेंगे क्या बिना फार्मूला का, समझ रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, आयताकार मैदान के बीचों बीच, सुनिएगा, ये बीचों बीच है यहाँ पे, मतलब बीच में बनेगा, जस्ट एकदम सेम ऐसा ही मैं आपको वर्ग में भी बताया था, तो बीचों बीच में बना ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, मेरी भावनाओं को बस समझना है, बीचों बीच ऐसे रास्ता बन जाएगा और इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ देगा, इस रास्ते का क्या पूछ देगा, आपसे क्षेत्रफल पूछ देगा, केवल रास्ते का क्षेत्रफल कह रहा है, ये ऐसे अगर पूछ देगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पे केवल और केवल फार्मूले की बात होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट सूत्र लिखा एल प्लस बी और माइनस में क्या होता है, एक्स, एल इंटू सॉरी एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस में एक्स, ये जो है रास्ता जो बना हुआ है इस रास्ते का क्या है, क्षेत्रफल है, समझ रहे हैं, बीचों बीच जब रास्ता बनेगा। तो नेक्स्ट कह रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त, अधिकतम मतलब एक आयत है और इसके अंदर आप बड़ा से बड़ा वृत्त बनाना है, ध्यान रखेंगे आप ऐसे मत सोच लीजिएगा कि ऐसे एक बड़ा से बड़ा ऐसे बनता, अरे भाई ये वृत्त नहीं होगा, वृत्त का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ की दूरी समान हो और बनने वाला ऐसा पथ जो है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, लेकिन आप देखो ये छोटा दिख रहा है ये वाला बड़ा दिख रहा है तो ये वृत्त नहीं है, तो वही मैं कह रहा हूं कि ऐसे आपका नहीं आप ले सकते हैं, आपको बड़ा से बड़ा अगर इसके अंदर क्षेत्रफल बड़ा अधिक से अधिक क्षेत्रफल वाला वृत्त लेना होगा तो आपको ऐसा ही फिगर बनाना होगा, चाहे आप जहां भी बनाओ, आप इधर से बनाओ या बीच में बनाओ या किनारे पे बनाओ, इतना ही बड़ा से बड़ा बन सकता है। तो आइएगा इसका देखते हैं क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, और सुनिएगा किसी भी वृत्त का जब जब क्षेत्रफल पूछेगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास त्रिज्या है तो आप तुरंत क्षेत्रफल उसका निकाल सकते हैं, वृत्त में त्रिज्या आया कि आप क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान बात है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सुनिएगा ये वाला आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इसकी चौड़ाई बी है और इसकी लंबाई एल है, ठीक है, इस आयत की चौड़ाई बी है, अगर मैं यहां पे अगर ऐसे करूं ऐसे 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 करूं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला जो बी है ना वही ये बी है, यानी इसकी इसकी ये कितना होगा, और मान लीजिए कि मैं क्या कह दूं कि ये व्यास है, क्या है आपका व्यास, व्यास बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चौड़ाई, हमको चाहिए क्या, व्यास का मतलब 2r, और ये है आपका क्या चीज, चौड़ाई,
चौड़ाई, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई और बटे में क्या हो जाएगा दो, यानी आप चौड़ाई का आधा करके और आप पाई आर स्क्वायर लगा लेना, एरिया आपका निकल जाएगा। जैसे ही मैं बोला हूं आपसे कि जब जब वृत्त की बात करेगा आप आर निकाल दिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए आर हमारा निकल गया कि चौड़ाई का आधा होगा, तो आधा होगा तो इसका मतलब एरिया हम निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है अधिकतम क्षेत्रफल वाला परिवृत्त, यानी परि का मतलब ऊपर से वृत्त बना होगा, चारों शीर्षों को छूते हुए जाता होगा, समझ रहे हैं। जब इसका आपका क्या पूछेगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए कि ये एल है और इसकी चौड़ाई कितनी है बी, समझ रहे हैं ना। और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कई बार मैं बोल चुका हूं केवल हमको त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या जैसे ही मिलेगा हम लोग सूत्र लगा लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप मुझे बताएंगे ये क्या है, ये क्या है आप मुझे बता सकते हैं, ये ऐसे है पूरा यहां पे चिपका हुआ है ऐसे, ये तो ये जो है आपका, ये जो मान लीजिए कि यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं कुछ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो बी डी आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, आयत का विकर्ण है। बीडी आपका क्या है, आयत का विकर्ण है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है ना, ये इस सर्कल का जो है व्यास भी है, वृत्त का क्या है, वृत्त का लिख देता हूं, ये व्यास भी है। और व्यास का मतलब टूआ और विकर्ण का मतलब क्या होता है, विकर्ण यहां लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप एक काम करिए आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि आप ऐसे लिख दीजिए विकर्ण, ये विकर्ण, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अब की बार विकर्ण का आधा होगा आर, अब की बार क्या होगा विकर्ण का आधा। पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार आप देखिए क्या हो रहा था, पिछली बार जो है आपका चौड़ाई का क्या हो रहा था, जब ऐसा फिगर रहेगा अंदर अंतःवृत्त रहेगा तब आर चौड़ाई का आधा हो जाएगा, और जब बाहर की तरफ बनाएगा यानी परिवृत्त बनाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये विकर्ण का आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, कह रहा आयताकार कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कुछ नहीं, सुनिएगा क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप अगुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है। परिमाप अगुणे में क्या होता है, ऊंचाई। अब परिमाप, आयत का परिमाप मतलब क्या बताओ, आयत का परिमाप का मतलब 2l + b और * ऊंचाई का मतलब h। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभी क्या कहता है ना कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का भी ऊपर वाला हिस्सा भी पूछ देता है, तो कुछ नहीं करना है, जब इसमें छत जोड़ेगा ना, जब इसमें छत प्लस करेगा तो आप एक काम करना, ऐसे ही 2l + b रखना और * में h रखना, और प्लस में क्या कर देना, b * h कर देना, ठीक है। b * क्या करना, l * b, सॉरी ऊपर की तरफ क्या रहेगा आपका, l * b, ऊपर तो ऊंचाई रहेगी नहीं, तो आप यहां से क्या कर दीजिएगा, l * b कर दीजिएगा। तो ये जो है आपका ऊपर वाला हिस्सा निकल जाएगा, आप जिस कमरे में आप देख लीजिएगा, ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, छत वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। तो जब छत ऐड करेगा, वैसे कम बहुत पूछता है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ रहे हैं। आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई आप याद कर लेंगे, और परिमाप आप जानते हैं पहले से कि 2l * b, l + b होता है और * h लग जाएगा उसमें, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, अच्छा सुनिएगा, ध्यान दीजिए स्पीकर को, ध्यान दीजिएगा। अगर स्पीकर की मैं बात करूं तो मैं कह दूं कि ये जो आयत बना हुआ है, क्या इसमें आपको एक त्रिभुज दिख रहा है क्या इस आयत में, तो जब जब सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और ये डी, और यहां पे मान लीजिए कि मैं कर देता हूं ओ, तो सुनिएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है, एक ही आधार पर, क्लास नाइन्थ की बातें हैं, एक ही आधार, आधार सेम होना चाहिए, और किसी भी पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका एरिया कितना होगा, इस बड़े वाले आयत का आधा होगा, चाहे आप जैसे बना लो। ध्यान दीजिए, ये मत समझिएगा कि सर ऐसे बना दिया है, मैं जल्दी के लिए ऐसे बनाया हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, समझ रहे हैं ना। तो आप चाहे जैसा आयत हो, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं कह दूं कि ऐसे अगर बनाएंगे, आधार ये सेम होना चाहिए, ये अगर इसका एरिया मतलब कितना होगा, इस वाले का एरिया, इस बड़े ये जो आयत है इसका आधा होगा, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, आयत का आधा होगा। अगर मैं फिगर ऐसे बना दूं, ध्यान दीजिएगा ऐसे बना दूं, और मैं कह दूं कि इसका एरिया बताइए, इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो ये जो ये पूरा आयत है उस आयत का क्या होगा, आधा होगा। मेरी बात चाहे जैसे बनाओ आप, सुनो ना, आप ऐसे बनाओ, आप ये मत कहना कि सर एक ही दो टाइप के बनाए हैं या ऐसे ही केवल होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, रटने वाली कोई बीमारी नहीं है, जानते हैं ना। ये देखिए, ये अगर ऐसे भी बन जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, इस आयत के एरिया का आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहां पे लिखा हूं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप त्रिभुज को डिनोट कर सकते हैं कि डीओसी, त्रिभुज डीओसी का क्षेत्रफल होता है आयत के क्षेत्रफल का क्या चीज, आधा, समझ रहे हैं। तो ये जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है, क्योंकि आप जानते हैं बिना फार्मूला का कुछ हो नहीं सकता है, और ये सारी चीजें ना ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके बढ़िया से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और आपका पॉइंट बचा हुआ है, मुझे लग रहा है लास्ट जी, कह रहा है कि यदि आयत के अंदर कोई वृत्त, सॉरी वृत्त नहीं, यदि आयत के अंदर कोई बिंदु हो, कोई बिंदु आयत के अंदर दे दिया हो, तो जानते हैं, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कि ये A1 है, ये A1 है,
ये ए टू है, ए वन ए टू का मतलब, ए का मतलब समझ लीजिए एरिया, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ए का मतलब क्या है एरिया, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए वन है, इसका क्षेत्रफल ए टू है, और इसका क्षेत्रफल ए थ्री है, और इसका क्षेत्रफल ए फोर है, एक रिलेशन इनमें होता है, और वो रिलेशन क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ए वन अगर इसका लेंगे तो प्लस में ए थ्री ये वाला बराबर होता है ए टू और प्लस में क्या चीज ए फोर, इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर होता है इसका एरिया प्लस में इसका एरिया, समझ रहे हैं। एक और मैं आपको यहीं पे बात बता देता हूं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये आपका सेम, मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु है, यहीं पर कोई क्या है बिंदु है, और ऐसे ऐसे और ये वाला यहां पे आयत के अंदर ही कोई बिंदु है, तो ये ए है, मान लीजिए कि ये पी है, ये बी और ये सी और ये डी, एक रिलेशन और आप याद कर लीजिएगा। एक्चुअली में ये सारी चीजें ना अगर आप देखेंगे तो जब जियोमेट्री और मेंसुरेशन एक साथ पढ़ेंगे तो सारी चीज आपको कंप्लीट पता चलेगी बहुत बढ़िया से, लेकिन यहाँ पे हम, मैं आपकी मदद बस इतना कर रहा हूं कि सारे फॉर्मूले एक जगह आपको इकट्ठा करके दे दे रहा हूं, समझ रहे हैं। तो सुनिएगा, एक रिलेशन है इसमें, और ये जानते हैं क्या रिलेशन है, सुनिएगा, एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर होता है पीडी का स्क्वायर, क्या चीज पीडी, ये डी यहां पे लिखना चाहिए था मुझे, पी और डी का स्क्वायर, अब प्लस में पीडी हो गया ना, तो ये आप क्या लिखेंगे पीबी का स्क्वायर, ये एक रिलेशन आप याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। आयत की लंबाई एल, चौड़ाई बी, आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती है, 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, और विकर्ण जो है दो इक्वल पार्ट में विकर्ण इसका बांटता है, विकर्ण मतलब होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और विकर्ण दिया हो और उन दोनों विकर्णों के बीच, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, बीच अगर थीटा एंगल बन रहा हो तो आपका एरिया होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग और साइन थीटा होता है इनटू में, समझ रहे हैं। तो देखिए कंप्लीट मैंने आपकी सारी चीजें आपको मैं बताया हूं, कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक आप कंप्लीट रेगुलर आप वीडियो को देखते रहिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी, समझ रहे हैं, एक जगह आपको करके दिया जा रहा है। तो देखिए सब कुछ ये मत समझ देखिए ऐसे होता है, आप में ऐसे कर लेते हैं, ये वाला इतना एक स्लाइड, ये जो पहले स्लाइड में मैंने बताया है, इतना जान के कि एल इंटू बी और एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विकर्ण हो गया, अब परिमाप क्या होता है 2l + b, इतना जान के लोग जानते हैं कि हम आयत पूरा कंप्लीट समझ गए, ऐसा नहीं है। आप पूरा ये देखे होंगे वीडियो, अगर अंत तक देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सारी चीजें आपको एक जगह इकट्ठा करके दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद दोस्तों।